Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 2, The King, Farmers and Town. My dear student, if you have remembered my previous class, where I had already informed you about that, the chapter up and the different points, which is very important. Dear student, before we start this chapter, I would like to inform you about the importance of this chapter. And not only this chapter, we should also discuss about that your some questions regarding your board exam. Dear student, this is the month of December, so that's why you have no time for your, I mean to say that कि अगर आप ये सोचते हो कि आराम से काम करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो अब आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा. ये प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसी होगी? स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करे. आई मीन टू से दैट फर्स्ट यू हैव टू सेट योर स्ट्रेटजी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. वाई? बिकॉज यू हैव वेरी लिटिल बिट टाइम. सीबीएसई किसी भी तरह से मार्च फर्स्ट वीक से आपका बोर्ड एग्जाम करा देगी. और मार्च, हाउ मेनी डेज नाउ यू हैव? कभी कितना आपके पास? दिसंबर तो चल रहे हैं, आज से आप काउंट कर लीजिए पूरी डेट को. और फिर आप के पास हार्डली 60 डेज हैं. उसी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे, उसी में आपको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होगा, उसी में आपकी सारी तैयारियां कंप्लीट करनी पड़ेंगी. कैसे होगा ये सब? ये सब तभी होगा जब आप अपना काम ऑनेस्टली करें, अच्छे से. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. तो चलिए उन चीज़ों पर बात करते हैं आज, आपके फर्स्ट चैप्टर पर, जो इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस का पार्ट है. हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी 6th century BC के कंडीशन पे. हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 6th century BC में भारत में, भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपदों का अस्तित्व तो दिखाई देता है. यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात थी कि 6th century BC में डेवलपमेंट दिखता है, अर्बनाइजेशन की ओर सभ्यता. तो इस प्रकार आपने देखा कि ये वो समय था जब भारत नगरीकरण की तरफ बढ़ रहा था. ऐसा नहीं था कि ये प्रथम नगरीकरण थी. दिस वॉज नॉट द फर्स्ट अर्बनाइज कल्चर. दिस वॉज नॉट गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टिनेंट. बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दैट during 6th century BC and before at least 2000 year, the first urbanization was properly flourished in India, the western part, northwestern frontier. That was Indus Valley civilization. But after some time, ek lamba samay, 6th शताब्दी ईसा पूर्व में इन चीज़ों के विकास के लिए लगा. और ये समय वो था जिसमें पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देता है, एक लंबा परिवर्तन दिखाई देता है. यहाँ पे आपको एक काल की पूरी हिस्ट्री आपको कवर करनी है. इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल रीड अबाउट दैट द अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक फ्रॉम 6th century BC to 6th century CE. Okay, so let's come and try to understand this chapter. Class 12th history. Class 12th history. Chapter Kings, Farmers and Towns.
किंग्स फार्मर्स सॉरी द चैप्टर नेम इज किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। ओके, इन दिस चैप्टर व्हाट वी रीड, वी विल स्टडी द अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स। अर्ली स्टेट्स इकोनॉमिक्स, प्रारंभिक राज्य और उनका पूरा का पूरा आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में और इतिहास कितना, 100 साल 200 साल नहीं, पूरी हिस्ट्री एक लंबी हिस्ट्री, और ये लंबी हिस्ट्री आपको ले जाएगी कहां से कहां तक, कहता है 6th century BC टू 6th century CE, 6th century BC टू 6th century CE आप, इट मीन्स 1000 ईयर हिस्ट्री, 1000 सालों का इतिहास, 1000 ईयर, तो 1000 का पूरा लंबा इतिहास 600 से 600 तक। अब इसके बीच कितने शासक आएंगे, पहले ये चीजें कंफर्म कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट आप चलिए मगध से ही चलते हैं, बिकॉज एज यू नो दैट द मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ड्यूरिंग 6th century BC एंड ऑनवर्ड्स, एंड द डिफरेंट एबल किंग हु रूल्ड ऑन मगध, एंड ही कंट्रोल्ड द होल इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, देन आफ्टर समुद्रगुप्त, महापद्मनंद, आल्सो वी कैन टेक द नेम, दीज वर द पावरफुल किंग हु टाइम टू टाइम कंट्रोल्ड, अपने समय के अनुसार उन्हें भारत के बड़े क्षेत्र पे राज्य किया, कंट्रोल किया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, लेट अस सी द विच डायनेस्टीज रूल इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। फर्स्ट द हरियंक वंश, हरियंक डायनेस्टी, देन आफ्टर शिशुनाल, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टीज, देन आफ्टर सुंगास, कानवा एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी हैड सीन। एंड ओके, फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते भारत में कुसानास, ये नॉर्दर्न इंडिया में थे, एज वेल एज सातवाहंस, साउदर्न इंडिया, और फिर कुसानों के बाद, सातवाहनों के बाद, हमें बीच के काल में थोड़ा गैप दिखता है, एक गैप, और वो गैप, वो अंतराल के बाद एक पावरफुल डायनेस्टी दिखती है, गुप्ता डायनेस्टी। सॉरी, यहां पे हमने एक डायनेस्टी को छोड़ दिया, मौर्य डायनेस्टी, सुंग के पहले। अब मैं एक बार फिर आपको ले चलता हूं नंद डायनेस्टी, देन मौर्य डायनेस्टी, सुंगास, सुंगास डायनेस्टी के बाद सुंगास, कानवा,
एंड देन आफ्टर कुसानास नॉर्दर्न इंडिया एंड सातवाहंस साउदर्न इंडिया एंड देन आफ्टर द मोस्ट पावरफुल एम्पायर दैट वाज द गुप्ता अगर इनके टाइम पीरियड को ले काल को ले कब कब इन लोगों ने शासन किया ले तो कहता है कि यहां से लेके यहां तक का काल ये लोग 6th century BC से 3rd century BC तक आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी। कहता है 6th century BC से 3rd century BC तक ये थे नंदा था मौर्य डायनेस्टी 3rd century BC टू 148-184 आप इसको 3rd century BC से लेके करीब करीब लास्ट डिकेड ऑफ 2nd century जब बृहद्रथ की हत्या करके एक नया राजा गद्दी पर बैठता है और वो नंदवंश का संस्थापक सॉरी नंदवंश के बाद तो अब इसके बाद सुंगास बृहद्रथ की हत्या करके पुष्मित सुंग के द्वारा स्थापित सुंगा डायनेस्टी के लास्ट मौर्य डायनेस्टी के लास्ट शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग गद्दी पर बैठता है फिर नया शासक सुंगा डायनेस्टी 184-148 के समय ये भी इनका भी शासन 2nd century BC से लेके लास्ट तक आता है 1st BC के स्टार्टिंग और फिर यहां पे आपको 1st century BC के बाद एक पूरा काल दिखाई देता है कुछ औरों का और सातवाहनों का साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और फिर गुप्ता डायनेस्टी अब ये 3rd century CE टू 5th century CE तक का शासन काल गुप्तों का रहता है तो यहां पे आपने देखा कि ओके लेट मी आई थिंक ये आपको नहीं दिख रहा है मैं आपको इस चीज को थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं गुप्ता डायनेस्टी का शासन काल क्या है यहां से अगर आप देखें तो कहता है कि 3rd century CE टू 5th century CE तो ये जो शासनकाल है इनके बीच गुप्तों ने भारत पर शासन किया तो इट मीन्स अब इसके बीच के पूरे समय को ये दैट इज द टाइम आई मीन टू से दैट ये जो टाइम पीरियड है इट इज वेरी इजी टू से दैट दिस टाइम पीरियड इज द इंसर्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वन चैप्टर योर चैप्टर टू द किंग्स फार्मर्स एंड टाउन आई होप यू आर गेटिंग दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट ये आसान है कहना कि ये छोटे से चीजों में हम एक चैप्टर में पूरी चीजों को कवर करेंगे लेकिन यहां पे अगर हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ें तो एक लंबा इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा 6th century BC फ्रॉम 6th century BC टू 6th century CE कई सारे राजाओं के इतिहास को हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये अपने में एक यूनिक हिस्ट्री है
ओके लेट अस डिस्कस। ये तो हुई एक स्थिति। अब मैं इन चीजों को हटाता हूं, आप देखिए कि हमें इन चीजों में और क्या देखना है, हमें इनके पूरे इतिहास को समझना है, हमें इनके पूरे डिटेल्स को देखना है। और ये वी आल्सो फोकस आवर स्टडी ऑन द अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमी इन दिस चैप्टर द टू वर्ड मेंशन। ओके मुझे डेट भी मैं डाल रहा हूं। अब आप देखिए वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट द अर्ली स्टेट वन पोर्शन एंड सेकेंड पोर्शन द इकोनॉमिक। दो चीजें इफ यू विल रीड द हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, आप इस हेडिंग देखिए तो दो बातें अर्ली स्टेट के बारे में है और इकोनॉमिक के बारे में। तो अर्ली स्टेट में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। अब अर्ली स्टेट के बारे में आप अगर मेरी लास्ट क्लास याद होगी वेयर आई इन्फॉर्म यू ड्यूरिंग सिक्स्थ सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग सिक्स्थ सेंचुरी बीसी देयर वर सिक्सटींथ महाजनपद सोलह महाजनपद का हमें एविडेंस मिलता है। किससे? लिटरेचर से। कौन से लिटरेचर से? हमारे पास लिटरेचर में बौद्ध लिटरेचर, जैन लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, लाइक वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, एंड देन आफ्टर पुराण आल्सो यू कैन आल्सो पुराण। वैदिक लिटरेचर के बाद हमें कंटेम्पररी बुक्स लाइक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि का, और फिर बाद की बुक अर्थशास्त्र दो चीजों से सिक्स सेंचुरी बीसी के राज्यों के बारे में मालूम चलता है। माय डियर स्टूडेंट इन माय लास्ट क्लास व्हाट आई टोल्ड यू दैट द महाजनपद डायरेक्टली नॉट इमर्ज, महाजनपद इमर्ज सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से महाजनपदों का विकास हुआ। जैसे पहले वैदिक एरा में विलेज 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 से जो विकास हुआ, गांव जब बड़े बने राजनीतिक सत्ता के रूप में, तो विलेज के बाद जन बना, सॉरी एक यूनिट और है विस, देन आफ्टर जन, देन आफ्टर जनपद एंड देन आफ्टर महाजनपद, महाजनपद का विकास हुआ। तो आपने डेवलपमेंट देखी, महाजनपद के पहले जनपद, जनपद के पहले जन, जन के पहले विस, विस के पहले राम। तो सेंचुरी बीसी में हमें प्रॉपर डेवलपमेंट दिखता है पाऊंगा, लेकिन ये डेवलपमेंट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रॉपरली नहीं प्राप्त होता। इट मीन्स ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वी हैव नो क्लियर एविडेंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू सिटी एंड टाउन्स, बट इन द लेटर आई मीन टू इन द सिक्स सेंचुरी बीसी
We had clear evidence on the basis of that we can say that city that they were developed from the village to waste, waste to jan, jan to janpad, janpad to mahajanpad. तो ये जो विस्तार दिख रहा है, एक सिस्टमैटिकली डेवलपमेंट दिख रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसके आधार पे आप उन चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से राज्यों का विस्तार हुआ, किस तरीके से राज्य आगे बढ़े. तो पूरे के पूरे डेवलपमेंट का एक सिस्टमैटिक आपके पास विचार है. अब यहां पे मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर आई टोल्ड यू दैट द जनपद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनपद, जनपद इट मींस जन एंड पद. दिस वर्ड जनपद वर्ड यूज्ड इन बोथ लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड प्राकृत. द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जनपद, जन इट मींस पीपुल, पद इट मींस फुट. इट मींस द फर्स्ट टाइम पीपुल हैबिटेट हिमसेल्फ पर्टिकुलर रीजन्स दैट इज कॉल्ड जनपद. एक वो जगह जहां पे लोगों ने अपने को स्थापित किया, एक वो जगह जहां पे राज्य के लिए या ग्राम के लिए या ग्राम से बड़ी संस्था का विकास हुआ. एंड दैट वाज द प्लेस वेयर दे डेवलप द किनशिप सिस्टम. धीरे धीरे वहीं पे राजसत्ता का विकास हुआ, साम्राज्य बने, बड़े बड़े राज्यों का डेवलपमेंट दिखाई देता है. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. यू शुड नेवर फॉरगेट अबाउट दैट कि किस तरीके से एक के बाद एक राज्य इमर्ज हुए, उनका विकास हुआ, बने, और फिर ये राज्य महाजनपदों के रूप में दिखाई देते हैं. तो ये था डेवलपमेंट. अब देखिए, अब इनके बारे में जानकारी के लिए बौद्ध लिटरेचर, जैन लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर और कंटेम्प्रेरी बुक्स. अब अगर इन्हीं चीजों को मैं और ओपन करूं लिटरेचर को ही, तो यहां पे आप उन बुक के नाम लिख सकते हैं, लाइक अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, लाइक जनवसत सूत्र, भगवती सूत्र, यहां पे चुल्ल निदेश, चुल्ल निदेश को भी इंक्लूड कर सकते हैं. अब मैं वैदिक लिटरेचर के बारे में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने लिखा था, फिर भी मैं लिख देता हूं कुछ चीजों को, जैसे वेदास हैं, ब्राह्मण्स हैं, पुराण है, इटिस. और कंटेम्प्रेरी बुक्स में मैंने आपसे दो बुक के बारे में लिखा, अष्टाध्यायी और मैंने आपको अर्थशास्त्र. तमाम सारे वैदिक ग्रंथों में भी इनकी उल्लेख मिलता है. तो दीज आर द एविडेंसेस, लिटरल एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग सिक्स सेंचुरी बीसी द 16 महाजनपद वास इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में थे 16 महाजनपद. और अब इन 16 महाजनपदों की काउंटिंग कर लेते हैं, कौन कौन से महाजनपद थे. चलिए ये भी देख लेते हैं 16 महाजनपद कौन कौन थे. अब यहां पे आपको एक चीज सोचना होगा, क्योंकि 16 महाजनपदों के नाम अलग अलग बुक में अलग अलग जगहों पे दिया गया है. जैसे सबसे ऑथेंटिक सूचना अंगुत्तर निकाय से मालूम चलती है. अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है. आई मीन टू से दैट द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन बाय बौद्ध टेक्स्ट दैट वाज अंगुत्तर निकाय. इन द अंगुत्तर निकाय इट इज क्लियरली एक्सप्लेन दैट द 16 महाजनपद ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी दैट वाज इन एग्जिस्टेंस. द सम डिफरेंसेस इन द नेम, द भगवती सूत्र आल्सो एक्सप्लेन एज इट इज एज सेम द चुल्ल निदेश, द कहता है कि अगर और भी ग्रंथों की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथों की बात करें, तो कहता है कि अंगुत्तर निकाय जनवसव सूत्र में केवल 12 राज्यों का नाम मिलते हैं. चुल्ल निदेश 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, 16 महाजनपदों की सूची देता है. इसके अलावा महावस्तु में गांधार तथा कंबोज के स्थान पर क्रमशः सिवी और दसाड़ का नाम मिलता है.
और ये सब जो अंगुत्तर निकाय में जो हमको लिस्ट मिलती है वो अत्यंत प्रमाणिक मानती है। वी एस अग्रवाल ने 1000 BC से 500 BC के काल को जनपद युग की संज्ञा दी। वी एस अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ही वॉज ग्रेट हिस्टोरियन। अकॉर्डिंग टू हिम दैट द 1000 BC टू 500 BC काल जनपद महाजनपद है, आप लिख सकते हैं महाजनपद एरा इसका नाम दिया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसका नाम दिया कि ये कौन सा काल रहा होगा, ये महाजनपद काल रहा होगा। और फिर इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि इनके नाम अलग अलग हैं, कई सारे ग्रंथ कई सारी बातें करते हैं। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज दैट वी शुड व्हाट ऑब्जर्व दैट द नेम काशी कौशल अंग मगध, द नेम ऑफ दिस महाजनपद काशी कौशल, काशी कौशल अंग मगध, काशी कौशल अंग मगध वज्जी कुरु चेंदी वत्स, काशी कौशल अंग मगध बज्जी कुरु चेंदी वत्स कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन कुरु पंचाल मत्स्य सूरसेन अस्मक अवंती गांधार कंबोज, अस्मक अवंती गांधार एंड देन आफ्टर कंबोज। तो ये 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है जिसके बारे में फोकस करेंगे हम, फोर्थ मगध, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल महाजनपद। देन आफ्टर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अस्मक, दैट वाज द महाजनपद विच वाज नॉट सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपसे कहा था दीज आर ऑल महाजनपद सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अस्मक, वो आर सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन आंध्र प्रदेश इन द गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के तट के पास इस राज्य का विकास हुआ था। तो यहां पर आपने अस्मक को देखा, मगध को देखा, और फिर अब इन राज्यों में पावरफुल राज्यों की बात करते हैं जो बाद में सत्ता में बने रहे। उसमें चार राज्य, सारे राज्य साम्राज्यिक शक्तियों का शिकार हो गए। इन 16 महाजनपदों में चार महाजनपद अत्यंत शक्तिशाली रूप में उभरे, और वो चार महाजनपद थे मगध, अवंती, फिर वत्स, और देखिए मगध और एक कौशल, कौशल मगध अवंती और वत्स। वत्स को जल्दी ही कवर कर लिया गया, ले लिया गया साम्राज्य में। सबसे पहले वत्स को मिलाया गया, फिर कौशल। इन 16 महाजनपदों में जो मगध सबसे पावरफुल बना, और मगध ने कौशल को वत्स को अपने साम्राज्यवादी नीति का
शिकार बना के अपने में मिला लिया। बाकी सारे राज्य तो मगध के पार्ट बने ही, अब सिर्फ दो राज्य अस्तित्व में थे। आई मीन टू से दैट ओनली टू मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद दैट वाज इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरी सॉरी फिफ्थ सिक्स सेंचुरी लास्ट डिकेड्स, छठी शताब्दी सफर के लास्ट डिकेड्स तक और फिफ्थ सेंचुरी की शुरुआत तक सिर्फ सॉरी सेवन यस कि एक टाइम पीरियड में एक निश्चित समय तक ये महाजनपद बसे। बाद में अवंती को सुसुराग ने जीत करके मगध राज्य में मिला लिया और फिर ये यहां से शुरू होता है एक महान साम्राज्य की स्थापना और फिर मौर्य डायनेस्टी शुरुआत होती है। तो यहां से मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होती है। हम लोग अपने बुक में मौर्य डायनेस्टी से शुरू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज को और पढ़ना है, एक चीज और देखना है, वो है गणास गणराज्यों का शासन। कंटेम्प्रेरी हमें गणों का शासन भी दिखता है, हमारे पास एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चार महाजनपदों के बाद 16 महाजनपदों के बाद चार महाजनपद और चार महाजनपदों के बाद 10 गणराज्यों का भी अस्तित्व छठी शताब्दी ईसापूर्व में हमें दिखाई देता है। तो गणराज्यों के शासन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसके साथ हम क्लास को जोड़ देंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।